होली रंगों का त्यौहार है। रंगों के इस त्यौहार में सिंदूरी लाल पलाश के फूल का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि लंबे समय से इसके फूलों का प्रयोग रंग बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में यह रंगों का सुलभता से लोगों को प्राकृतिक काफ़ी दूर ले गई है और पलाश का फूल फाल्गुन माह में इसके फूल दीपक की लौ की तरह नज़र आते हैं। राजकीय फूल भी कहलाता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और पलाश का फूल खिलते ही जंगलों की सुंदरता देखने लायक हो जाती है। साथ ही सिंदूर और मनमोहक फूल होली आने का संकेत भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पलाश के फूल से ही होली की शुरुआत हो जाती है। पलाश के फूल से रंग बनाए जाते हैं। फूलों को सबसे पहले अच्छी तरह सुखा लिया जाता है, फिर उनसे रंग बनाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं होली से रिलेटेड सारी सामग्री पूजा की बताने वाली हूँ। होली पर किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है पूजा करने के लिए, तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा अभी से, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। होली की पूजा के लिए क्या क्या संपूर्ण सामग्री लगती है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी सामग्री मिस ना हो, स्किप ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पूजा के लिए फूल चाहिए। फूल ले लेंगे हम, आटा चाहिए हमें, नारियल चाहिए और चुनरी चाहिए जो कि होलिका माता को हम पहनाएंगे। और चुनरी के साथ साथ में आप सुहाग का सामान भी ले सकते हैं। एक नारियल हमें होलिका पर चढ़ाना रहता है तो वो ले लें। ताज़ा फ्रेश जल ले लें आप, कलश ले लें, जल का लोटा ले लें। साथ में खड़े मूंग चाहिए रहते हैं और एक दीपक ले लिया है मैंने घी का। साथ में कपूर भी हमें इस दिन प्रज्वलित करना रहता है, होली में दहन में जलाना रहता है, तो वहाँ पर हम कपूर ले लेंगे। धूप बत्ती ले ली है, रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ें आप ले लें। साथ में माचिस ली है और ये आपको कच्चा सूत लेना है, चाहे तो आप सफ़ेद कलर का सूत ले सकते हैं या फिर आप ये भी सूत ले सकते हैं। तो कच्चा सूत आप उतना ही लें जितना कि आपको परिक्रमा लगानी रहती है, उस हिसाब से आपको ये सूत लेना है। साथ में दो हल्दी की गांठें लेनी है, हल्दी की गांठ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही में मैंने कुछ लौंग ले ली हैं, लौंग भी ज़रूरी होता है पूजा में। लौंग से कहा जाता है कि लौंग, कपूर, ये चीज़ें जलाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसलिए हमें लौंग लेनी है। हल्दी की गांठ भी हम पूजा में चढ़ाएंगे तो वो भी चाहिए हमें। साथ ही में हमें पाँच बताशे लिए हैं, पाँच बताशे लेना है हमें भोग के लिए, और गुड़ लेना है। गुड़ और बताशे इसमें मेन इंग्रेडिएंट है तो गुड़ और बताशे ज़रूर ले लें आप। साथ ही में ये देखिए धूप बत्ती भी है, और हमें आटा लेना है तो आटा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है साथ ही में, और घी का दीपक ही इस दिन जलाया जाता है। ये तो हो गई पूजा की सामग्रियाँ। इसी के अलावा आपको कच्चा दूध भी लेना पड़ता है, तो एक लोटा आप चाहे तो एक कटोरी आप कच्चा दूध भी लेकर के जाएं पूजा में, और जल भी लेकर के जाएं। और साथ ही में देखिए गेहूं की बाली होना चाहिए। गेहूं की बाली कहीं कहीं जगह पे पकी हुई होती है तो पकी हुई यूज़ कर सकते हैं, हरी वाली होती है तो हरी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में आपको होला भी लेना रहता है, जो कि चने का कच्चे चने का जो बाली होती है वो लेना रहता है। साथ में ये बड़कुल्ले होते हैं, आप चाहें तो इसकी माला भी बना सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, मार्केट में बने बनाए भी मिल जाते हैं। तो ये बड़कुल्ले भी ज़रूरी होते हैं पूजा की सामग्री में। अगर आप लोग के यहाँ जैसे रीति रिवाज हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा फूल पान सब ले सकते हैं आप। फूल जितने चढ़ाएँ उतना ही अच्छा है, चाहे तो आप एक माला भी लेकर जा सकते हैं फूलों की, उस हिसाब से आप फूल इकट्ठा कर लें या फिर आप माला खरीद भी सकते हैं। और साथ में हमें लाल और कुछ कलर चाहिए रहते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है, रंगों की होली होती है इसीलिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो होली माता को भी हम रंग चढ़ाएंगे, तो साथ ही में गुलाल महत्वपूर्ण होता है, और अन्य कलर भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ इतने कलर लिए हैं, इस हिसाब से आप पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लें और साथ ही में पूजा कर लें। पूजा करने के बाद में आप अपने आस पड़ोस और अपने फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा गुलाल ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, होली का दहन
दिन के बाद जब हम फिर से जाते हैं पूजा करने, तो उसके बाद एक और पूजा की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं बता देती हूँ। तो पूजा की थाली तो यही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने होले लिए हैं, होले और जो गेहूं की बालियां ली हैं, उन्हें हमको उसी होली के आग में सेकना रहता है। तो वहीं पर उन्हें सेक लें और फिर घर आकर के सभी परिवारजनों को उनकी जो होली का जो रहता है होले और गेहूं की बालियों का दाना निकाल करके आप प्रसाद के रूप में सभी को बांटते हैं, तो इससे नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी घर में आती है। इस तरीके से आप ये प्रसाद को बांट सकते हैं, और चाहें तो आप बूंदी के लड्डू भी बांट सकते हैं। मिठाइयां अपने हिसाब से आप लेकर आ सकते हैं। और कहा जाता है कि होली पर गुजिया खाने का और गुजिया बनाने का बहुत ही महत्व होता है, तो गुजिया भी आप ज़रूर बनाएँ। मिठाइयों का आप मिठाइयाँ भी भोग में लगा सकते हैं, तो जो भी मिठाई आपको पसंद हो वो भोग में लगाएं, लेकिन गुजिया का बहुत महत्व होता है, तो गुजिया ज़रूर बनाई जाती है। अगर आप लोग बना नहीं सकते तो मार्केट से भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा की जाती है, और पूजा किस तरीके से की जाती है वो भी मैं वीडियो डाल दूंगी आप लोगों को आगे चल के। और पूजा पाठ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मैं देती हूँ, पूजा पाठ से रिलेटेड सारे वीडियो में लाइव पूजा भी करके दिखाती हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो थोड़ा सा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियोज़ मेरे जो डाले हुए हैं वो भी देखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।